नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। दरअसल हम इस वक्त द्वारका में मौजूद है, जो भारत वंदना पार्क के ठीक सामने आप देख रहे होंगे कि तस्वीर में एक बड़ी बोर्ड लगी हुई है वंदना पार्क का, भारत वंदना पार्क का। इसके ठीक पीछे बहुत बड़ा पार्क है, कहा जा रहा है कि दिल्ली का सबसे बड़ा पार्क, यानी कि लगभग 25 एकड़ का ये लैंड है जहां पर तमाम जीव जंतु और पशु पक्षियां थी। लेकिन 2021 में कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है भारत वंदना पार्क का, जिसके बाद सारे जीव जंतु और पशु पक्षी जो हैं दर बदर मरने लगे। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने, एनजीओ के लोगों ने, रोबिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रोबिन साहब की तमाम टीमों ने लगातार जो है आवाज़ उठाने की कोशिश की। फिर एक दिन के लिए स्टे भी लगा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो जीव जंतु या जो पशु पक्षी थे उनको दरअसल नदारद कर दिया गया, कोई सेफ जोन में उनको नहीं रखा गया। हमारे साथ रोबिन साहब। रोबिन साहब, दरअसल क्या हुआ है इस पार्क के साथ, जिसके लिए आप लोग लगातार सालों से आवाज़ उठा रहे हैं, क्या हुआ है जरा बताएंगे? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि ये 20-25 एकड़ लैंड पे डेंस फॉरेस्ट एरिया था। हालांकि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये 200 एकड़ लैंड पर है, 200 एकड़ लैंड है, जिसमें 25 एकड़ पे डेंस फॉरेस्ट एरिया था। इस डेंस फॉरेस्ट एरिया के पर भारत वंदना पार्क बनाने के लिए डीडीए ने जो एनवायरमेंट क्लियरेंस लिया है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि लिखा है कि नो ट्री कटिंग और ट्रांसप्लांटेशन हैज बीन प्रपोज्ड इन द इंस्टेंट प्रोजेक्ट। ना इन्हें पेड़ काटने की आवश्यकता थी, ना ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता थी। भारत के गृह मंत्री जब उद्घाटन के लिए आए, श्री अमित शाह जी, उन्होंने भी आके बोला कि इस स्थान की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो ग्रीन एरिया है और जो पशु पक्षी हैं उनको प्रिजर्व करते हुए आपने भारत वंदना पार्क का निर्माण करना, उन्होंने भी उजाड़ने के लिए नहीं कहा। लेकिन डीडीए और एनबीसीसी के जो अधिकारी थे उन्होंने स्वयं संज्ञान लेते हुए अपने आप ही सारा, डीडीए और एनबीसीसी, डीडीए प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, उन्होंने प्रोजेक्ट को प्रपोज किया, एनवायरमेंट क्लियरेंस लिया, एनबीसीसी के साथ एमओयू किया है और एनबीसीसी के अधिकारियों ने फर्दर वर्क ऑर्डर इशू किया है एनकेजी कंस्ट्रक्शंस को। डीडीए, एनबीसीसी और एनकेजी तीनों ने मिलकर इस इतने खूबसूरत इलाके का, जो द्वारका का लंग्स कहा जाता था जिसे, उसको उजाड़ दिया, बेजान कर दिया। हजारों की संख्या में यहाँ पर जानवर रहते थे, वो सब मर गए। ये देखिए आप, जैसे आप देखिए, ये रहे, ये भारत वंदना वन बचाओ अभियान चलाया गया था उसमें ये इतना ग्रीन लश एरिया आपको नजर आया। दिल्ली पुलिस ने जो ड्रोन से फोटो वीडियो बनाने का काम किया, उस वो रियल में है? हाँ हाँ, दिल्ली पुलिस के ऊपर कौन शक कर सकता है। हमारे डीसीपी एंटो अल्फोंस साहब थे यहाँ पे, उन्होंने हमारी द्वारका फोरम, एक संस्था है द्वारका की, उनके साथ मिलके पूरे द्वारका का कोविड लॉकडाउन के समय 2019 में उन्होंने ये पूरा शूट कराया था, 2020 में, और उस शूट में भारत वंदना पार्क का जो, हाँ, पूरा एरियल व्यू इसमें नजर आ रहा है, कितना लश ग्रीन एरिया, वो पूरा जो हम लोग बात कह रहे हैं वो उसके अंदर साफ नजर आ रहा है। साथियों, वो वीडियो मैं आपको जरूर जाहिर तौर पर स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा। दरअसल बगल में एयरपोर्ट है, अब कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट से जो प्लेन से जो पॉल्यूशन निकलते हैं उसको अब्जॉर्व करने का काम जो है फिलहाल भारत वंदना पार्क में जितने भी पेड़ पौधे थे वो करते हैं। यही बात है मैडम आप कहने की? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग यही कहते हैं कि द्वारका बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है और यहाँ पर जितने ज्यादा डेंस और नेटिव पेड़ थे, किसी भी एरिया को उसके नेटिव ट्रीज ही बचाते हैं, फुल्ली मैच्योर्ड। इतना ज्यादा डेंस एरिया जहाँ पे कई बार जमीन पे धूप तक नहीं पहुँचती थी, इतने ज्यादा यहाँ पे ट्रीज थे, यहाँ पे पशु पक्षी थे, नील गाय थी, कम से कम 50 से ऊपर नील गाय थी और रेयर बर्ड्स थे, वाटर बॉडी पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे, यहाँ पे स्नेक्स थे, टर्टल्स थे, वाइल्ड हेयर। अब आप देखिए, हम लोग यहाँ पर कई साल से आते हैं क्योंकि हम लोग बर्डर्स भी हैं, बर्ड वॉचर्स हैं हम लोग। मैं खुद डेली बर्ड फाउंडेशन की मेंबर हूँ और हम लोग कई साथी लोग द्वारका के बर्ड वॉचर्स जो आते थे यहाँ पर, हम लोगों के पास इसकी प्रॉपर बर्ड्स की लिस्टिंग भी है, जो हमने ई बर्ड पोर्टल, जो कि इंटरनेशनल पोर्टल है कॉर्नल यूनिवर्सिटी का, उस पे लिस्टिंग भी उसकी की हुई है कि यहाँ की सॉयल इतनी रिच है कि जब यहाँ पे मानसून के टाइम में पूरा वाटर बॉडी ऊपर तक लबालब भर जाता है तो उसकी डेप्थ करीब करीब 25 से 30 फुट होती है और 15 दिन के अंदर वो पानी नीचे अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। इट शोज कि सॉयल की जो डेंसिटी है दैट इज सो पोरस एंड वेरी गुड कि वो अंदर परमिएट करती है। आज की तारीख में जब हम लोगों का दिल्ली का वाटर लेवल इतना जा रहा है नीचे कि हम लोगों को पानी की दिक्कत
दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में इस तरह की वाटर बॉडीज को खोना ये तो एक ट्रेजर खोने के समान है। और ऊपर से जब यहाँ के पशु पक्षी निकले, कितनों को हमने आसपास की सड़कों पर मरे हुए देखा। और आजकल सोसाइटीज़ में, आसपास की सोसाइटीज़ में स्नेक्स निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा। हम लोगों की टीम डिफेंस कॉलोनी से स्नेक रेस्क्यू के लिए आती है। लोग डरते हैं, बच्चे बूढ़े डरते हैं, सांप का नाम ही ऐसा है। पर वो सांप कहाँ से आए हैं? इतने भर के सांप जो द्वारका में कभी नहीं दिखाई देते थे, पिछले 2 साल में बहुत दिखाई दिए हैं। क्यों? वो हम उनके घर में पहुँच गए तो वो हमारे घरों तक पहुँच गए। तो होम मिनिस्टर से क्या कहना चाहते हैं रोबिन साहब की उन लोगों पर कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो? बिल्कुल, मैं माननीय गृह मंत्री साहब से और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है, प्रकृति का संवर्धन करते हुए विकास, ये उनका मोटो रहा है, भारत सरकार का मोटो रहा है। और उसके ऊपर वो लोग जो वो कहते हैं उस पर वो खरे उतरें। और जिन भी अधिकारियों ने, DDA, NBCC और NKG के अधिकारियों ने इस स्थान को बर्बाद किया है, वाटर बॉडी बर्बाद किए, जानवरों को प्यासे मरने के लिए छोड़ दिया, उन सभी के ऊपर में उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। और इस स्थान पे वापस 20-25 एकड़ जो डेंस फॉरेस्ट था हमारा, उसको रिस्टोर किया जाए। मियावाकी फॉरेस्ट के तर्ज पे उसको रिस्टोर अगर करेंगे तो हो सकता आने वाले समय में ये जगह फिर से बहुत हरियाली भरी हो जाएगी। लग रहा है संभव ये होना? क्यों नहीं संभव है? क्या संभव नहीं है? मोदी है तो मुमकिन है, यही तो नारा है ना देश का, तो मुमकिन है, हमें भरोसा है। हम क्या BJP के वोटर नहीं है? हम क्या मोदी साहब के वोटर नहीं है? इस स्थान पे उसको बचाने के लिए संघ के स्वयंसेवक भी आते थे। प्रवेश वर्मा जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने भी आके यहाँ पे श्रमदान किया है। अक्रॉस पार्टी लाइन लोग आए थे द्वारकाइट्स बन के, एनवायरमेंट लवर बन के। हम लोगों ने यहाँ पे मेहनत की है। देश के प्रधानमंत्री हमारी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में 36 का आंकड़ा है, इस वजह से तो नहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तमाम चीजों? भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, 36 का आंकड़ा उनका राजनीतिक तौर पे हो तो वो लोग आपस में निपट लेंगे सक्षम है। पर्यावरण ने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि हाँ जी पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री भी कहते हैं। आप इस बात को लेकर करार? मुख्यमंत्री जी अगर दिल्ली में रहे तो जरूर मिल लेते, जब भी हम लोग गए तो पता चला वो आज पंजाब है, गुजरात है, कहीं और है, हिमाचल है। हमने लगातार 2017 में, 2019 में, 2021 में मुख्यमंत्री साहब को रिप्रेजेंटेशंस द्वारका के नागरिकों की तरफ से जाता रहा है। PGMS की साइट पे भी एप्लीकेशन गई है, दिल्ली के वन विभाग को वो एप्लीकेशंस मार्क की गई। दिल्ली का वन विभाग अगर जाग के इस काम को रुकवा लेता ना, देखने आता, इंस्पेक्ट करने आता। लैंड कितना है? 100 एकड़ से? 200 एकड़ लैंड है, 189.9 एकड़ तो कागजों में बताते हैं और वैसे पूरा परिसर 200 एकड़ का है। चाहते हैं कि उसमें से 25 एकड़ जो है सेव किया जाए? सर 25 एकड़ लैंड तो आप दे दीजिए, जो पहले था आपने ही तबाह किया, आप दे दीजिए। प्लस दिल्ली वन विभाग के अधिकारी जिन्होंने शिकायत पर उचित संज्ञान नहीं लिया, वो DDA, NBCC और NKG के अधिकारी जिन्होंने ये सारी जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, इन सभी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विशाल है, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी ग्रीन सर्कल NGO का हूँ। पिछले कई सालों से द्वारका में हम एनवायरनमेंट एक्टिविटीज़ करते आ रहे हैं, जिसमें श्रमदान है और प्लांटेशन, ट्री क्लीनिंग, ये सब हम करते हैं। इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम 2 बार यहाँ पे हमने श्रमदान किया है, बहुत सफाई करी है और बहुत सारे जानवर पक्षी बहुत सुंदर हमने देखे थे। और जब पता चला ये प्रोजेक्ट ऐसे शुरू हो रहा है तो ग्रीन सर्कल के कैंपेन की ने अपने एक बैनर के साथ साथ और 5-6 द्वारका के NGOs के साथ मिलके एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू किया था, जिसमें हमने एक ह्यूमन चेन भी बनाई थी और सबने मिलके ये रिक्वेस्ट करी थी सारी सिविक एजेंसी से कि ये हमारी लंग्स हैं, हमारे इन पेड़ों को ना काटा जाए, इनको सुरक्षित रखा जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें दरकिनार कर दी गई और ये इतना बढ़िया लश ग्रीन जो फॉरेस्ट था, जो द्वारका की हमारी लंग्स थी, वो बिल्कुल बेदर्दी से काट दी गई, तबाह कर दी गई और जानवर सारे बेचारे मर गए। नाम तो बड़ा बढ़िया है मैडम, भारत वंदना पार्क, इसके अंदर तो बहुत बड़ा गंदा काम हो गया। ये भारत वंदना पार्क नाम इसका बाद में रखा गया है, इसका असली नाम है भारत वंदना वन। वन मतलब फॉरेस्ट, जंगल, तो उसका नाम चुपचाप फाइल्स में बदल के पार्क कर दिया गया। उनके भी विरुद्ध है? मैं तो उसके भी विरुद्ध हूँ, जंगल तो जंगल ही है। ये सिटी फॉरेस्ट था इतना बड़ा, जो कि गुड़गांव द्वारका
के बीच का इतना पॉल्यूशन एब्जॉर्ब करता था, अभी आपके ये कवरेज के रहते रहते ही कितने एरोप्लेन्स ऊपर से गए हैं, उन एरोप्लेन्स का पॉल्यूशन जाएगा कहाँ? अब तो इंसानों पे चलेगा सीधा। अब इंसानों पे इस बार ENT के जितने प्रॉब्लम्स आए हैं, द्वारका के रेजिडेंट्स को सबसे ज़्यादा आए हैं। ये अब आवाज़ सुनिए आप, ये टेक ऑफ और लैंडिंग के समय जितना एयरो फ्यूल सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज होता है वो कहाँ जाएगा, उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा? यहाँ पे धीरे धीरे तो रेगिस्तान बनता चला जाएगा, ना मॉइस्चर होगा ना बारिश होगी, तो ये क्या रेगिस्तान नहीं बनेगा? हम लोग सरकार से यही पूछते हैं, जैसे रॉबिन जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि उनके अपने राजनीतिक जो भी मुद्दे हों वो करने में सक्षम हैं, समर्थ हैं, लेकिन पर्यावरण ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उन जीव जंतुओं ने क्या बिगाड़ा था जो आपने उनको सड़क पर मरने छोड़ दिया? मॉनिटर लिजर्ड, नील गाय, कितनी बार सड़क पे वो वुंडेड हुई हैं, जख्मी हुई हैं, उनको कौन देखने वाला है? कोई भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जीव जंतु और पेड़ पौधे के प्रेमियों ने साफ सुथरे शब्दों में होम मिनिस्टर से ये गुजारिश की है कि लगभग 200 एकड़ का ये जो है पार्क बनने जा रहा है, जिसको भारत वंदना पार्क कहा जा रहा है। दरअसल समझने की कोशिश कीजिए, अब इन लोगों का कहना है कि इसमें से 25 एकड़ कम से कम सेफ किया जाए, जो पशु पक्षियों के लिए और वन्य जीवों के लिए सुरक्षित किया जाए, यही मांगे हैं आपकी प्रमुख मांगों में से? बिल्कुल, यही सबसे बड़ी मांग है। और चूंकि ऑलरेडी सॉइल का इतना अपरूट ये लोग कर चुके हैं कि वहाँ पे उस सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि एक सॉइल को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, अगर आज वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो धीरे धीरे इंसेक्ट आने बंद हो जाएंगे, इंसेक्ट खत्म हो जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी खत्म है, तो आप उस जगह को बचा नहीं सकते। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि मनोबल टूटता जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को सीरियस लेते नहीं है? हम लोगों का बहुत मनोबल टूटा है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें IP यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोगों को भी इंक्लूड किया, वहाँ के स्टूडेंट्स भी आए और वहाँ के स्टूडेंट्स ने सॉइल रिसर्च भी की और उन्होंने पाया कि यहाँ पर काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी है। रोबिन साहब बोलिए। मनोबल बिल्कुल नहीं टूटा, बहुत सारे लोग हतोत्साहित हुए, नहीं डैमेज हुआ, लेकिन आप एक बात बताइए, हम लोग एक साल सरकार के ऊपर भरोसा करके बैठे थे ना, देश के गृह मंत्री पे हमने भरोसा किया, जिन्होंने विश्वास दिलाया था कि यहाँ पर किसी भी तरह से क्षति नहीं पहुँचाई जाएगी, लेकिन अचानक एक साल बाद जब नजर आया तो फिर हम लोग सड़क पे आए। होम मिनिस्टर के पास बहुत काम है, कहाँ देखे? ठीक है, गृह मंत्री सर सी है, सी अभी CA है, बहुत अच्छी बात है, करें बिल्कुल, अग्निवीर अग्निपथ सब बनाए, लेकिन हम उन्हीं पर भरोसा करेंगे ना, किस पे भरोसा करें? पाकिस्तान के गृह मंत्री पे भरोसा कर लें? देश के गृह मंत्री पे भरोसा ना करें? उन्होंने विश्वास दिलाया, अधिकारियों ने उनके पीठ पे छुरा मारा है, इन अधिकारियों को प्रोसिक्यूट किया जाए, एक बात। दूसरी बात, अगर हम लोग हतोत्साहित होते तो सरकार से लड़ेंगे वन्य जीवों के? 9 तारीख को सरकार से नहीं लड़ रहे हम, प्रोजेक्ट को रोकने की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं प्रोजेक्ट चलाइए, लेकिन साथ साथ ये भी दे दीजिए ना। DDA वाले भी बड़ा सुस्त लग रहे हैं, DDA के अधिकारी तो सरकार को ही गुमराह कर रहे थे। एनवायरमेंट क्लियरेंस किसने दिया? भारत सरकार ने दिया है। किसने प्रपोज किया? DDA ने प्रपोज किया। DDA इस एनवायरमेंट क्लियरेंस में भी लिखाया गया है कि अगर कभी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की बात सामने आएगी तो प्रोजेक्ट ही रोक दिया जाएगा। हम तो सरकार से प्रोजेक्ट रोकने की बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं 20-25 एकड़ लैंड दे दीजिए ना, और जो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। इसलिए ये हम लोग हतोत्साहित बिल्कुल नहीं है और न कभी होंगे।